परमेश्वरी के पति महादेव को शहर में नौकरी मिल गई और वो शहर चला गया। यहाँ गांव में परमेश्वरी ने भी हिम्मत करके स्कूल की चपरासन की नौकरी ले ली। अब पति को चिट्ठी वो किसके हाथ लिखवाती? दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो खुद लिखना पढ़ना सीख गई। पहले तो घर के लोगों ने ताने दिए, पर देखते ही देखते उसके साक्षर होने के फायदे भी नजर आने लगे। अब तो परमेश्वरी दूसरी औरतों को भी हिम्मत दिलाने लगी। शहर की एक औरत की सलाह सुनकर गांव की औरतों ने कथरी सिलाने की सहकारी मंडली भी चलाई। इसी बीच महादेव ने परमेश्वरी को शहर बुला लिया। वो तो शहर चली गई, फिर भी औरतों की सहकारी मंडली तो चलती रही। बड़ी बहू परमेश्वरी कब लौटने वाली है शहर से? लो, वो क्यों वापस आएगी? उसके जैसी पढ़ी लिखी औरत को शहर में काम की कमी है क्या? और उसके यहाँ की स्कूल वाली नौकरी? अरे वहाँ तो इससे अच्छी नौकरी मिलेगी उसे, है कि नहीं? माई, अब हमारी देवरानी की बहू लक्ष्मी भी पढ़ना लिखना सीख गई है। परमेश्वरी दीदी ने रास्ता जो दिखाया है। क्यों दशरथ भाई, चुनाव के दिन आ गए क्या? हाँ, मुझे भी वही लगा। जीवन भाई का भाषण तो वैसे ही चल रहा है। चुनाव तो अभी दूर है, यहाँ गांव में इतना झगड़ा चल रहा है और तुम्हें पता तक नहीं? किस बात का झगड़ा? कुछ पाने की योजना के बारे में। अरे चलो चलो जल्दी चलो चलो। हमारे लिए नहीं, अरे गांव के लिए चाहिए। अरे चाहिए तो आपने जमीन दे दीजिए ना, दूसरे ये दूसरे की जमीन। अरे हमने कोटो जमीन दे दी है ना। हां कदम पे आपकी दाद ये नहीं कि काम है। अरे आप समझते क्या अपने आप को? अरे भाई हमारी अपनी जमीन ऐसे पूरे समझते क्या? वो नहीं है सबका। अरे वो नहीं चाहिए ऐसा। अरे कुछ नहीं देंगे मुफ्त में, ऐसे बहाने बनाता है। अरे मुझे तो मालूम है, मेरी ये नदी किनारे वाली जो जमीन है ना, तुम्हारे आंखों में कांटे जैसी चुभ रही है। अरे मुझे कहता है, है? मुझे कहता है चाचा, गांव के नल के लिए बस हमारी इतनी सी जमीन दे दो हमें, बस दे दो। लेकिन हुआ क्या चाचा, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? क्या हुआ क्या? वह क्या? अरे मैं इन लोगों को तो 3-4 पीढ़ियों से जानता हूँ। लेकिन हुआ क्या? मक्खी चूस है, एक नंबर के मक्खी चूस। अरे ठीक है, बात सही है, लेकिन आप सुनो चाचा। क्या? छोटे पाटिल बोले कि चाचा ऐसे बातों बातों में लाल पीले हो गए ना, तो गांव का भला तो हो ही नहीं सकता। हाँ, गांव का भला तो सिर्फ यही सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। अरे आपने पूरी बात तो सुनी नहीं। बोलो। छोटे पाटिल बोले अगर चाचा नहीं आए तो बड़े पाटिल खुद ही आ जाएंगे। बड़े पाटिल? बड़े पाटिल। हाँ तो ठीक है, चलो 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 चलो। देखिए चाचा जी, आप इतना गुस्से से मत काम लीजिए, थोड़े जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे गुस्से से कैसे, देखो मेरी जमीन है। आगे चाचा आगे। आप फालतू में गुस्सा होकर चले गए, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? क्यों ज्ञान भाई? हाँ सही बात है। रजाक भाई ये सब क्या चल रहा है? बात ये है भाभी कि सरकार से बड़े पाटिल जी के पास एक फतवा आया है, गाँव में पानी के नल लाने की स्कीम है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है। अरे जब सचमुच के नल आ जाएंगे तब कहोगे ना अच्छी स्कीम है। क्या मतलब? अरे कोई बताओ मुझे, ये क्या चल रहा है, ये क्यों झगड़ रहा है? अरे मेरा बाबा शांत रहो जरा, यहाँ तो युद्ध शुरू होने वाला है। क्यों क्यों? क्योंकि जगह देने के लिए कोई तैयारी नहीं था। जब जीवन चाचा यहाँ नहीं थे तो बाकी पंचों ने मिलकर ये तय किया कि जीवन चाचा की पुल के पास वाली जमीन में से ये जगह दे देंगे, और जब जीवन चाचा यहाँ आए
तो उन्होंने कहा मैं तो यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनाने वाला था और आप लोगों ने मुझे पूछे बगैर जगह कैसे तय कर ली और वह बहुत गुस्सा हुए। अरे गांव में नल आ रहे हैं। तो फिर पाटिल जी अपने हिस्से में से जगह क्यों नहीं दे देते? क्यों नहीं देते? हम नल के लिए जमीन लिए बिना नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अरे चाचा, अरे जमीन क्या, जमीन का कदम भर टुकड़ा भी नहीं दूंगा मैं। चाचा जी आप जरा शांत रहिए। अरे छोड़िए, अरे जरा ठंडे। देखो मैंने अपने सपने में हनुमान जी को वचन दिया था, पुल के पास वाली जमीन मैं आपको दे दूंगा। अरे वो बात, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। बराबर है, बराबर है, बराबर है। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो आप एक बात ध्यान में रखिए, गांव में नल ना आने की जिम्मेवारी आपकी है। अरे चाचा हाँ ठीक है, बढ़िया है, जिम्मेदारी देने वाला। ठीक है, हम लिख देते हैं सरकार को इस गांव में नल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अभी हमारे गांव में दो चार कुएं हैं, हम गर्मियों में उन्हीं से काम चला लेंगे बस। चार? अरे चार क्यों, 40 कुत्ते हैं गाँव में। अरे मेरा बाबा आप क्या बोल रहे हैं, कुत्ते नहीं कुएं, कुएं कुएं अरे दादा। अरे चाचा जी क्यों सर पे पाप का बोझ ले रहे हो? अरे छोड़, देखो पाप पुण्य की बात मुझे मत सिखा, मैं इन लोगों को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। सड़े मारी मेरी सारी जमीन हड़प करना चाहते हैं मुफ्त में। ये पाटिल और जीवन चाचा का पता नहीं सदियों पुराना झगड़ा, वो तो झगड़ते रहे, वो झगड़ते रहे, लेकिन गांव वालों के लिए कितनी वो इतना सोचते पाटिल जरा सी जगह देखना हमारी। अरे छोड़ो, ठीक है कभी कभी जाते होंगे मर्द लोग पानी लाने, मगर हर रोज सुबह उठकर पानी लाने हमी को तो जाना होता है ना। और नहीं तो क्या। जब गर्मी में नदी का पानी सूख जाता है तब कितना मुश्किल होता है। पर मेरे समझ में ये नहीं आता, ये लोग हमसे सलाह मशवरा क्यों नहीं करते? अच्छा अगर तुमसे सलाह मशवरा करते तो क्या कहती तुम? तो मैं कह देती जो योजनाएं गाँव के सभी लोगों के फायदे की हो वो कभी ठुकरानी नहीं चाहिए। और उसके लिए हाँ, मर्द लोग सुनने वाले हैं तुम्हारी। कौन कहता है कि मैं सुन नहीं सकता? क्या अब इनको सुनाई दे रहा है क्या? मगर सचमुच एक बार क्यों ना पढ़ ले हम लोग वो योजना ठीक तरह से। हाँ हमें कौन पढ़ने देगा, कुछ भी करके एक बार तो पढ़ी लेनी चाहिए, क्योंकि ये योजना मर्दों से ज्यादा औरतों के फायदे की है। हाँ नल आने से कपड़े धोना बर्तन मांजना सभी कामों में कितनी आसानी होगी। अरे तू सपने देखती रहे, गांव की औरत सरकारी कागज कभी पढ़ सकती है भला? क्यों नहीं पढ़ सकती, गांव की औरत हुई तो क्या हुआ, वो भी पढ़ सकती है। जेठ जी पढ़ना पढ़ना। हाँ हाँ समझ गया समझ गया, बढ़ना पर चढ़ना नहीं। ऐसे क्यों कहती हो चाची, हमारी लक्ष्मी दीदी पढ़ती है, नानी बहू पढ़ती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, एक एक अक्षर जोड़ के तो बुआ जी भी पढ़ सकती है। हाँ हाँ तो नमक वाला न और लगन वाला ल मिलके न। देखो बुआ जी जिस बात पर रामू चाचा सोच विचार कर सकते हैं वो जीवन चाचा सोच विचार कर सकते हैं, वो तुम्हारा वो पाटिल जी का छोटा लड़का सोच विचार कर सकता है, उस बात पर आप क्यों नहीं सोच विचार कर सकती हैं, या बेरी माई या वो चाची क्यों नहीं सोच विचार कर सकती हैं, है ना? ये तो ठीक बोली जैतू, अकलमंदी का ठेका क्या सिर्फ मर्दों ने ले रखा है। हाँ तो बिल्कुल, तो बुआ तुम पंचों में से किसी से वो कागज मंगवा क्यों नहीं लेती
हम सब मिलके पढ़ेंगे। अरे भूल जाओ, ऐसे मांगने से थोड़े ही कागज मिलेगा। और नहीं तो क्या, जैसे कि पाटिल जी कहेंगे आओ बहनों और ये कागज लेके जाओ, हमारा दिमाग तो अब चलता नहीं है, आप एक मीटिंग लेना और कागज पढ़ के सही बात हमें बताना। गांव के सभी मर्द आपको दुआई देंगे। क्यों जी, मैंने ठीक कहा ना? वायात कही की। बस सिर्फ हंसी मजाक करके हम इस बात को अब नहीं छोड़ेंगे। अगर हम भी पढ़ लिख कर दुनिया की बातें समझ सकती है तो खुद को गवार क्यों कहलाए? ठीक है, मगर वो सरकारी कागज कौन देगा हमें? जब सीधी उंगली काम नहीं करती है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। टेढ़ी कट्टा कैसे लिखते हैं? इधर ला, मैं दिखाती हूँ। ये ए, सुन, तो क्या लिख रही है ये? मुझे भी जरा बता दे। बता दूं? मेरा पति बाबा बैरा कहां से आया नसीब का फेरा। मैं पहली बता दूं? हाँ, हाँ। ले तू साथ नारी जात, सब घोटाला फंस गई बात। ना 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 ना, तुम अपना काम करो। मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता। अच्छा है, आज के मेरे 5 शब्द पूरे हो गए। जल जल, नल नल, समय आकार फ साफ, ट म में आकार ट र टमाटर, म ट का मटका। वाह बहुत अच्छा। अब बुआ जी ऐसे बात को न टालो, वो नल का कागज ला दो ना हमें। अब क्या मैं पंचायत पर डाका डालूं? आप चिंता मत करो, कागज लाना मेरी जिम्मेवारी, दीदी होती तो क्या करती मैं जानती हूँ। देख नानी बहू, किसी से झगड़ा उगड़ा मत मोल लेना, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि कोई उंगली उठाए, है ना? नहीं सासू जी, आप मेरा विश्वास कीजिए। मैं जानती हूँ, सीता माई से काम करवाओगी ना तुम? माँ, मैं अर्जुन, इस सीता माई को ले आया हूँ शादी करके। क्या? अरे कितनी बार समझाओ तुम लोगों को कि हम लोग इस बार रामायण नहीं महाभारत करने जा रहे हैं। ये द्रौपदी है और तुम अर्जुन हो, समझे? करो। भूल गया, माफ करना। हाँ ठीक है। अच्छा सीता माई, तुम उसके पीछे खड़े हो जाओ। द्रौपदी, बोलो। भाभी क्या काम है तुम्हारा? नहीं कुछ नहीं, यहाँ से जा रही थी तो सीता माई सुना। अच्छा? इसलिए चली आई। अच्छा। अरे भाभी, सीता माई की नहीं, द्रौपदी की बात कर रहे हैं, द्रौपदी की। अच्छा, किसी की बातें मत कर, ठीक है? अगर चाहे तो हम अगले सीन पे चलते हैं, ठीक है? मतलब? अच्छा वो सुई मिट्टी वाला? हाँ वही। किशन महाराज पधार रहे हैं। आओ सुयोधन, गले मिलते हैं। किशन महाराज, मैं भीष्म। नमस्ते पितामह। नमस्ते। मैं करण। और मैं अर्जुन। हम करण अर्जुन। ठीक है। आइए किशन महाराज, आइए पधारिए। यहाँ कितनी गंदगी है, मैं नहीं बैठूंगा। अरे गज्जू, तुम तो ऐसे भाव खा रहे हो जैसे सचमुच राजमहल के रहने वाले हो। अगर मुझे किशन महाराज का काम करना है तो मुझे अच्छी खासी जरी वाली धोती चाहिए। हाँ भाई हाँ, दे देंगे। और गले की माला। हाँ हाँ। और हाथ के कंगन। देख अब तो शुरू होता है, तेरे सुदर्शन चक्र से तुझे कोई सबक सिखाऊं? ए, मैं तो कब से खड़ा हूँ। तो डायलॉग बोलना आपने। ठीक है, मैं श्री कृष्ण, मैं यहाँ झगड़ा मिटाने आया हूँ। सगे हो या चचेरे, भाइयों को आपस में झगड़ना शोभा नहीं देता। बात खाने की हो या पानी की,
आपस में बांट लेने में ही अकलमंदी है। जा जा, मैं नल के लिए जमीन लिए बिना नहीं जाऊंगा। अरे क्या बोल रहा है तू? क्या दिमाग फिर गया है क्या तेरा? माफ करना माफ करना, वो क्या हो गया, वो कल की वो नल वाली बात याद आ गई। अब ठीक है, मैं पांचों पांडवों के लिए जमीन लिए बिना नहीं जाऊंगा। जमीन क्या, नल के लिए जमीन का एक कदम भर टुकड़ा भी नहीं दूंगा। ये तो जीवन चाचा का डायलॉग बोल रहा है। अरे यार जागो यार, जागो जागो, देखो ठीक तरह से रिहर्सल करनी है कि नहीं। सुन ले, सुई की नोक पर जितना मिट्टी का दाना रहेगा ना, उतना भी नहीं दूंगा। इन लोगों का जमीन पर कोई अधिकार नहीं है, मुफ्त में चाहते हैं ये लोग जमीन। चंदर, इन लोगों ने अगर जमीन के हक का सबूत लाया तो? अरे जाजा, क्या सबूत ला सकता है वो? किशन महाराज, किशन महाराज। क्या है? क्या है? आप जमीन का कागज क्यों नहीं पेश करते? पता नहीं ऐसा कोई कागज है या नहीं। क्यों नहीं, जरूर होगा। ऐसे कामकाज के कागज हमेशा ठीक तरह से पढ़ लेने चाहिए। तुम ठीक कहती हो। बस अब ये ठीक, कल हम कागज पढ़ के अगली सुनवाई शुरू करेंगे। है? कागज? अरे कौन से कागज की बात कर रहा है तू? ये तो डायलॉग में नहीं है। तू भीष्म महाराज है ना, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कुछ तो कागज होगा। अरे पर कौन सा कागज, ऐसा कुछ नहीं है इस सीन में। तू तो ऐसे ही कहेगा। भीष्म महाराज, तू तो दुर्योधन की साइड वाला है ना। अरे मैं भीष्म नहीं, मैं वासु हूँ, वासु वासु। मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है इस सीन में। बस अब ये सुनवाई यही खत्म, हमें जाना है पाटिल जी के यहाँ दाढ़ी बनाने। तो जरी वाली धोती याद रखना। अब इसके लिए जरी वाली धोती कहाँ से लाए? किशन महाराज, तुम गज्जू को इधर बुला रहे, हम उनको पटाएंगे। ए गज्जू, इधर आ। अरे आना। यार गणेश, अब इसका क्या करें? पागल है, इसके लिए जरी वाली धोती कहाँ से लाएंगे? और नहीं तो क्या, धोती कहाँ से लाएंगे? जरी वाली वो भी। सुनिए, मैं मेरी एक अच्छी वाली साड़ी दे सकती हूँ, जरी वाली। अरे भाभी, तुम्हारा तो जवाब नहीं है ना गणेश। अरे भाभी, अरे शुरू, तेरा तो जवाब नहीं है। कौन से कलर की है? नीली वाली। नीली वाली क्या बात है? मगर मेरा एक काम करोगे तो? अब क्या है? हमें वो कागज ला दो। कागज? फिर वही कागज? कि क्या कागज की मगजमारी है? वो सरकारी कागज, नल की योजना वाला। अरे तुम्हें क्यों चाहिए? हमें पढ़ना है। कहाँ से ला तुम्हें? क्यों, तुम्हारे किशन महाराज जो है। किशन महाराज? क्यों, छोटे पाटिल के दोस्त नहीं है वो? अच्छा, अब मैं समझ गया। अब तो मैं ला ही दूंगा। अरे वासु, किशन महाराज के लिए नीली धोती ही चाहिए यार। पीली होती है तो? नहीं चलेगी यार। क्यों नहीं चलेगी? क्यों? देख वासु, हम ये नहीं मान लेंगे, हमें तो धोती नीली ही चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो कहाँ से लेके आऊँ मैं? अरे कैसे मिलाऊँ? कैसे मिलाऊँ? क्यों? अरे वासु, हम नाटक वालों को एक दूसरे के लिए जान देनी चाहिए। क्यों गज्जू सर? हाँ बिल्कुल। ए चुप चुप, तू खाली बिले बात मत बना। देख वासु, मुझे चुनौती मत दे। क्या मतलब है चुनौती? देख वासु, हम एक दूसरे के दोस्त है ना। हाँ। तो दोस्त दोस्त के लिए जान दे सकता है। क्यों मैं तुझे? मेरी नीली वाली धोती ला दूंगा। कैसे भी ला दूंगा। आसमान से ला दूंगा। हम एक दूसरे के दोस्त है, एक दूसरे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। देख गज्जू, सोच ले, बाद में धूम दबा के नहीं भागेगा तू। बोल दे।
देख गज्जू बोल दे, देख गज्जू बोल दे, देख गज्जू बोल दे, हमें वो नल योजना वाला सरकारी कागज चाहिए। ठीक है ला दूंगा। गज्जू रे कितना दुबला हो गया तू, ले ले खा ले और मिठाई। नहीं नहीं अब मेरा मेरा पेट भर गया। खा 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 एक और ले ले। अरे गज्जू तुम यहाँ हो, लो तुम्हारे लिए खीर बना के लाई। खीर खीर ले लो ले लो ले लो थोड़ी सी खा लो, लड्डू खा लो आराम से। अरे आप यहाँ बैठे हैं, मैंने कल हलवा बनाया था आपके लिए। मेरी सासू जी पूछ रही थी गज्जू कहाँ है, गज्जू कहाँ है। हाँ। देखिए कल फिर से मैं हलवा बनाऊंगी आपके लिए। मेरे लिए अब मेरा पेट पूरा भर गया है, पूरा भर गया। ओ लक्ष्मी भाभी वो कागज तो वापस देना। गज्जू सेठ अब इतने भी निष्ठुर ना बनो। अब ये रहा सरकारी कागज, अभी हमने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा है ना, तो ये कागज पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। कल तक रहने दो ना ये कागज। गज्जू बेटा कल हलवा खाने आएगा ना तो ले जाना कागज। अगर कचहरी में उसकी जरूरत पड़ गई तो बड़े पाटिल तो मेरे नाक कटवा देंगे। देख गज्जू अभी तो शाम होने को है, कचहरी हो गई होगी बंद, कल सुबह कचहरी खुलने से पहले ले जाना कागज और दे देना दफ्तर में। ले ले लाडू ले ले। वो तो कहते रहते हैं आप बड़े ही धीरज वाले आदमी हैं, छोटे पाटिल या बड़े पाटिल किसी से भी बात करने से नहीं डरते। ये ठीक सुना है। हाँ ठीक है ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। सिखाया हमने सचल है मन को पाया, भला गाँव का जिससे होवे हम वो अक्षर पढ़ के सिखाए, हम वो अक्षर पढ़ के सुनाए। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर मेरी जिंदगी, भैंस बराबर, भैंस बराबर मेरी, भैंस बराबर, भैंस बराबर काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर बराबर, भैंस बराबर, भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर।